अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, हमारी रेसिपीज एंजॉय कर रहे होंगे। तो जिन लोगों ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले तो जाएं चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज बड़ी ही मजे की रेसिपी मैं शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मेरी फेवरेट वेजिटेबल है। आज हम बनाने वाले हैं भिंडी कीमा। ये भिंडी हमारे पास फ्रेश फ्रेश कटी हुई है, हमारे पास फ्रेश फ्रेश वेजिटेबल्स चॉप हैं, और ये कीमा भी हमने मटन का वॉश करके रखा हुआ है। आप चाहे चिकन के साथ बनाएं, बीफ के साथ बनाएं, वो आपके ऊपर है। और हमारे पास आज माशाल्लाह से किचन में दो चीज़ें एडिशनल हैं। एक तो हम नया नया पैन आपके लिए लेके आए, इसके अंदर आपको बनाएंगे, व्यू देखें कितना अच्छा क्लियर आएगा, आपको पूरी डिश जो अच्छे से दिखेगी। और हमारे पास आ गया है अच्छा सा ब्यूटीफुल सा माइक जो हमें मिला है, क्योंकि किचन फूडीज एनिवर्सरी थी, तो आज ये दो चीज़ें हमारे किचन में एड ऑन हुई हैं। तो इंशाल्लाह अब आपको बड़ी अच्छी प्रोफेशनल वीडियोज इंशाल्लाह मिलेंगी। अच्छा जी, अब भिंडी कीमा बनाने के लिए हमने स्टोव को कर लिया है ऑन, ठीक है। उसमें हम डालेंगे ऑयल तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून, क्योंकि अभी हमें इसमें करनी है, पहले भिंडी को फ्राई करना है सॉल्ट के साथ और हमने निकाल लेना है। अच्छा जी, ऑयल गया हमारा, ठीक है। अंदर हम पहले व्हाइट कलर साबुत दिखता है, तो हम भिंडी के साथ फ्राई, ठीक है। और ये है भिंडी जी फ्रेंड्स। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे भिंडी, इसको करेंगे हम फ्राई। भिंडी को जो है हमने इस तरह से फ्राई करना है, ये थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी, रेड हो जाएगी, फिर हमने इसको अलग से निकालना है, क्योंकि कीमा सेपरेट बनेगा। और इस स्टेज पे मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ा सा सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट के साथ हम इसको फ्राई करेंगे, जब ये थोड़ी सी रेड हो जाएगी तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। पर वेट करते हैं और इसका फाइनल आपको दिखाते हैं कि कितनी इसको कलर चेंज होने तक हमने वेट करना है। अच्छा जी, ये देखिए भिंडी जो है ये इस तरह से कलर इसने अपना चेंज कर लिया है। थोड़ी सी ये और फ्राई होगी तो हम इसको निकाल लेंगे, क्योंकि फिर हम कुक करेंगे जो कीमा है। और कीमे के बाद जब लास्ट में हमारे पास 5 से 10 मिनट बचे होंगे, तो हम ये भिंडी उस वक्त ऐड करेंगे। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसके अंदर 90% जो है ये भिंडी आपकी इसी में पक जाएगी, तो आपको और इसको मज़ीद फ्राई करने की नीड। जी तो ये देखिए, ये भिंडी हो गई है हमारी रेडी, ठीक है। और अब हम इसको लेंगे निकाल इस पैन में, ठीक है। स्टोव को ऑफ कर लें बंद। ये अब इसका काम बिल्कुल आखिर का है, अब हम जो बेसिक कुकिंग जो है वो अब स्टार्ट करेंगे कीमे की। देखिए इस तरह से निकलेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम बनाने लगे हैं कीमा। इसमें थोड़ा सा ऑयल जो है पैन में बचा हुआ था, और मेरा मूड हो रहा है कि मैं आज बनाऊं देसी घी के अंदर, तो मैंने थोड़ा सा इसमें देसी घी ऐड किया है। ऑयल काफ़ी सारा था बचा हुआ, तो आप चाहें तो इसको ऑयल में भी बना सकते हैं, ठीक है जी। इसमें कोई दही वगैरह कुछ नहीं जाएगा, बहुत अच्छे से आपकी रेसिपी बनेगी। ये देखें जो भिंडी हमने फ्राई की थी, और वो भी आपको दिखा दें, ठीक है। इतनी खूबसूरत सा कलर होके निकला, क्रिस्पी क्रिस्पी सा। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, कुकिंग को स्टार्ट करते हैं।
प्याज लेनी है, प्याज को हम करेंगे ब्राउन, ठीक है। उसके बाद हम कीमे को फ्राई करेंगे, टोमेटोज ऐड करेंगे। इसमें कोई दही वगैरह कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, और बहुत ही अच्छी और मजेदार सी ये रेसिपी बनती है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा वेट करते हैं कि हमारा ये जो प्याज है वो कलर चेंज कर ले, ब्राउन हो जाए, फिर हम बहुत ही क्विक आपको कीमे की पूरी रेसिपी दिखाएंगे और एंड में लुक भी दिखाएंगे कि आपने भिंडी को कब ऐड करना है। बहुत टेस्टी रेसिपी है। तो फ्रेंड्स देखें कि जो अनियन का कलर है वो मीडियम गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है। अब आप लोग देख रहे होंगे टमाटर नहीं है, मैं टमाटर नहीं डाल रही, ठीक है। मैंने इसके अंदर डाला है कीमा, कीमे के साथ हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून डाला है मैंने। और अब हम करेंगे कीमे को फ्राई। कुछ लोग टमाटोज डालते हैं पहले, ग्रेवी को बनाते हैं, मेरा थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है। आप लोग ऐसे भी बनाएंगे तो खाना बहुत ही बेहतरीन और मज़े का बनेगा। अच्छा, आपको जल्दी बनाना है तो कीमा आप लोग रात में धो के रखें, ठीक है, और बहुत ही फिर आपका अच्छा एक इम्पैक्ट जाएगा। अब हम वेट करते हैं कि ये जो कीमे का कलर है ये चेंज हो जाए, कीमा अच्छे से भुन जाए। ये मटन का हाथ का कीमा है, मोटा मोटा जो कुटावा होता है, और अगर आपके मटन की या बीफ की बोटियां हैं तो घर में चॉपर है, उससे भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा वेट करते हैं कि ये थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। अच्छा जी, देखिए कीमे का जो कलर है ये चेंज हो गया है, लेकिन अभी हम इसको साथ साथ भूनते भी जाएंगे, ठीक है। इसके साथ हम ऐड करेंगे हमारी ग्रीन चिली, ठीक है। ग्रीन चिलीज को हल्का सा फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे टमाटोज और हमारे मसाले। कोई दही कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा इसके अंदर नहीं जाएगी, घरों के अंदर ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। और कीमा मैंने आपको बता दिया, मटन बीफ नहीं है तो आप चिकन से बना लें, ठीक है। और जो वेजिटेरियंस हैं वो कीमा की जगह सोया चंक्स जो मिलते हैं उसके वो पीसेस कर लें, टोफू के पीसेस मिलते हैं वो डाल लें, पनीर ऐड कर लें, मतलब आप वेजिटेरियंस के लिए भी ऑप्शन है, ठीक है। तो अब ये मैंने ऐड किए हैं टमाटोज, ठीक है। अब हमारा कटिंग बोर्ड का काम हो गया है ख़त्म। कलर देखें कितने खूबसूरत कलर आ रहे हैं। इसको हम भूनेंगे थोड़ा ये टमाटर अच्छे से पक जाए। जब टमाटर थोड़ा गलने लगेगा तो इसके अंदर हम डालेंगे ड्राई मसाले, और उसके बाद इसको हम पानी डाल के और हम फिर गलने के लिए रख देंगे। फिर जब एंड में जब 10 मिनट्स रह जाएंगे, जब पानी ड्राई होने लगेगा, तब हम इसके अंदर जो हमने ये बड़ी खूबसूरत सी भिंडी फ्राई की है ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनती है और आप लोगों को पसंद भी आएगी। तो प्लीज़, और जिन लोगों ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को शेयर कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, लाइक कर दिया करें। और अब माशाल्लाह से रमज़ान आने वाले हैं, प्लेलिस्ट हमने आज उसकी एक्टिव कर दी है, तो उसके अंदर भी रेसिपी आज से इंशाल्लाह पोस्ट होने लगेंगी, तो आप लोग वो भी देखिएगा, ठीक है। तो अब हम वेट करते हैं कि टमाटर थोड़े से पक जाएँ, देन हम इसके अंदर मसाले डालते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, तो टमाटर जो हैं वो थोड़े से गलना शुरू हो गए हैं। जैसे ही हम यहाँ पे इस स्टेज पे आएंगे तो मसाला डाल देंगे, और मसाले के साथ जब उसको भूनेंगे तो टमाटर खुद गल जाएंगे। सबसे पहले हमने सॉल्ट ऐड करना है, मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर रही हूँ, क्योंकि तो हम लोग थोड़ा सा कम खाते हैं और आप लोग भी प्लीज़ थोड़ा कम ही खाएं, और भिंडी में ऐड किया हुआ है तो यहाँ पे कम डालेगा। ये मैंने डाला है सॉल्ट, रेड चिली पाउडर जाएगा 1/2 टेबल स्पून, टेस्ट भी कर सकते हैं आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है।
अब मैं इसके अंदर, अच्छा हम कोई ब्रांडिंग नहीं कर रहे हैं, जो मैं मसाले घर में यूज करती हूँ मैं वही डाल रही हूँ, आपके घर में जो अवेलेबल है वो आप लोग डाल सकते हैं। ठीक है, हमने डाली हल्दी 2 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1/2 टेबल स्पून, पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून, और थोड़ा सा मुझे पसंद है फ्लेवर के लिए चाट मसाला 1/2 टेबल स्पून। अब हम इसको करेंगे मिक्स मिक्स मिक्स, और जैसे ही मसाला भुन जाएगा कीमे में अच्छी तरह, तो हम इसके अंदर डालेंगे पानी और कीमे को रख देंगे गलने के लिए। ठीक है, मसाला हमेशा जब भी आप डालें उसको तकरीबन तकरीबन 5 से 10 मिनट अच्छे से भूने। हम लोग पूरी वीडियो इसलिए कवर नहीं करते, आप लोगों को टाइम ही बता दें, नहीं तो फिर 1-1 घंटे की जो है वो आधे आधे घंटे की वीडियोस बनेंगी। तब तो हम इस मसाले को ज़रा भूनेंगे और इसमें वेट करेंगे। अब हमने कुछ भी नहीं करना है, इसके अंदर पानी ऐड करना है और इसको कीमे को गलने के लिए रख देना है। भिंडी वगैरह सब एंड में इसमें हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं कि मसाला पक जाए। इस स्टेज पे आप मसाला चेक भी कर सकते हैं, कोई चीज़ कम ज़्यादा आपको लग रही है आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो यू कैन एडजस्ट पानी डालने से पहले। ठीक है, तो वेट करते हैं थोड़ा सा। जी फ्रेंड्स, तो मसाला बिल्कुल भुन गया अच्छे से, ये आप कीमे का कलर देखें। आज तो मैंने इसीलिए ओपन पैन में आपके लिए बनाया कि आप लोगों को अच्छे से कलर इसके नज़र आए। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत सा कलर आया है, मैं आपको थोड़ा सा क्लोजअप से दिखाती हूँ, देखिए। ठीक है, तो एट दिस स्टेज हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। ये मटन का है तो मैं 2 ग्लास पानी ऐड करूंगी। ठीक है, बीफ हो तो आप 3 ग्लास पानी ऐड कीजिएगा, ये 1.5 से 2 घंटे में अच्छा जो गला हुआ होता है वो आपका रेडी हो जाएगा। जिनके पास प्रेशर कुकर है वो तो जल्दी इसको कुक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने ऐड कर दिया है पानी। अब जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा और फिर हम इसको इस तरह से कवर कर देंगे। बीच बीच में आप इसको स्टर करते रहिएगा, और तकरीबन अब मैंने इसको स्टोव पे कुक कर रही हूँ तो ये 1.5 से 2 घंटे में कीमा बिल्कुल गल जाएगा। देन हम इसके अंदर भिंडी ऐड करेंगे और उसको फ्राई करेंगे, हमारा भिंडी कीमा मज़ेदार सा रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए हम लोग वेट करते हैं। जी फ्रेंड्स, तो हमारा जो हमने मटन का कीमा रखा था पकने के लिए वो प्रॉपरली अच्छे से गल गया है। इसके अंदर अब ये थोड़ा सा पानी है जो इसको हम ड्राई करेंगे। अच्छा जी, इस स्टेज पे हमने ये जो भिंडी फ्राई की हुई थी ये हम इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको स्टर करेंगे। जब आपने पकाना है तब भी बीच बीच में इसको स्टर करते रहना है। तो ये अब इसको हमने 5 से 7 मिनट के लिए अब इसको दम पे रखना है। देख रहे हैं आप कितना खूबसूरत सा ये कलर आया है, ताकि थोड़ा बहुत अगर भिंडी में कोई कसर फ्राइंग में रह गई हो तो वो भी कवर हो जाए। ठीक है, तो अब इसके बाद हम इसका बिल्कुल रेडी एंड फाइनल लुक आप लोगों को दिखाएंगे, तो हमारे साथ ही रहिएगा। फिर हम इसको इसी में डेकोर करेंगे, आज इसको प्लेटिंग नहीं करेंगे इसकी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को दिख रहा है कि गरम गरम हमारा भिंडी कीमा जो है वो रेडी हो गया है, और अब जो है हम इसको फाइनल करेंगे। हम थोड़ा सा इसका पानी ड्राई होने का वेट करेंगे, ताकि फिर हम इसको इसका आपको इसी में डेकोर भी दिखाएंगे। बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है, आप इसको चाहें तो चपाती के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, जिसके साथ आपको अच्छा लगता है उसके साथ आप खाएं। तो ये इसका ज़बरदस्त सा हमारा लुक ये रेडी होने वाला है। कीमा बिल्कुल अच्छे से गल गया है, मैं आपको वीडियो के दरमियान में भी बता चुकी हूँ। अच्छा, सबसे पहले आइसक्रीम की वीडियो माशाल्लाह सबने बहुत पसंद की है, और नेक्स्ट भी इंशाल्लाह कोई मज़े की आइसक्रीम आने वाली है। गेस करें कौन सी है, चलें बता देती हूँ। किनू की आइसक्रीम हम, ऑरेंज आइसक्रीम हम बनाने वाले हैं इंशाल्लाह, तो होपफुली नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो वही होगी हमारी। नॉर्मली ये फ्लेवर आप लोगों को हर जगह पे नहीं मिलता तो हम बनाएंगे।
अच्छा जी, रमजान का प्लेलिस्ट कभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो अब अवेलेबल है। आप जो भी आप लोग रमजान में रेसिपी बनाते हैं, नॉर्मली तो शुरू के जो 10 रमजान होते हैं तो उसमें सुबह इतना डाइट का इंटेक नहीं लिया जाता है, बहुत ही कम और शॉर्टर डाइट ली जाती है, इतना ज़्यादा हम नहीं खा पाते हैं। तो जो भी आप लोगों को रेसिपीज हैं, समोसे हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि डेली हमारी जो रूटीन होती है ना रमज़ान की, उसमें हम यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों पर नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी इन्फ्लेशन इतना हाई है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ट्राई करेंगे कि वही चीज़ें बनाएं कि जो सबके घर में अवेलेबल हो, और माशाल्लाह अलग अलग सबका रमज़ान में जो दस्तरखान है वो भरा रखे, तो सब लोग वो रेसिपी बना सकें और खा सकें। अच्छा जी, देखें ये हमारा भिंडी कीमा रेडी हो गया है। ठीक है, अभी इसको ये धुएं की वजह से नज़र नहीं आ रहा, तो मैं स्टोव बंद करूँगी तो आप लोगों को नज़र आएगा। हमारा भिंडी कीमा रेडी हो गया है। तो फ्रेंड, ये हमारा आज का वीडियो का आखिरी सेक्शन है। आज हम आपको प्लेट में नहीं इसको डेकोर करके दिखाएंगे क्योंकि अभी हमने इसको सर्व नहीं करना, लेकिन आप उसी तरीके से आप इसको प्लेट में भी सर्व कर सकते हैं। मज़ेदार सा भिंडी कीमा जो है वो हमारा रेडी हो गया है। मेरे पास जो चीज़ें घर में अवेलेबल थी वो है हरा धनिया, हल्का सा मैंने डाला है, ठीक है, और एक बड़ी खूबसूरत सी मुझे मिर्च अभी मिली जो कि ग्रीन से इस कलर की टर्न हो गई। एक ये हम रखेंगे और थोड़ी सी कलर के लिए साबुत ये वाली गोल मिर्चें हम रखेंगे। ठीक है जी, तो हमारा भिंडी कीमा हो गया है रेडी। आप लोग ट्राई करिएगा, बताइएगा कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी है। और बाकी ये कि कोई भी क्वेरी आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही काफ़ी था। सब लोग प्लीज़ अपना अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।